हेलो फ्रेंड, जय बद्र विशाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल इस पार्थिव श्रद्धा में। तो पटाखे फोड़ रहा है अभी, उसका पटाखा फोड़ने का ना मतलब ये अनवरत चल ही रहा है। उसका 5-6 दिन पहले से स्टार्ट हुआ है और अभी भी इसका चल ही रहा है। तो फ्रेंड्स, आज जो लगभग सारे काम मेरे हो चुके हैं, बहुत लेट लतीफ हो चुकी हूँ दीपावली से। जब से उस पूजन हुआ है उसके दूसरे दिन से मैं पूरी तरीके से लेट लतीफ हो चुकी हूँ। जैसे लग रहा है कि कितना सारा काम मैंने कर डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। अब तो धूप में बैठने वाला टाइम एकदम आ चुका है। अंदर ठंड लगती है, बाहर धूप में। हाँ, ये धूप इतनी सख्त हो रही है कि ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को भी दिखाती हूँ, यहाँ पर अभी ये रंगोली हमारी ये बनी हुई है, एकदम वैसी की वैसी बनी हुई है। दीपावली से पहले ही बना दिया हुआ था, तो लगभग सारी ही रंगोली लगभग मेरी बनी हुई है। और यहाँ पर ये रखा है उरली, इसको आज हटा देंगे। ये लगातार रखी हुई, यहाँ पे रखा हुआ कैंडल। और इसमें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये फ्रेंड्स आप ये लोग ये देख रहे होंगे ना, ये हमारे सारे गमले अब ये एक ही कलर के हो गए हैं। ये सारे गमले अब हमारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या हो गया था ना, मतलब पूरा एकदम पूरे गमले एकदम खराब से हो गए हुए थे बरसात के बाद में ना। सारा गमला बिल्कुल खराब सा हो गया था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा हुआ था। तो बस उसी दीपावली में भी इनका भी रंग रोगन हो गया और अब ये एक जैसे सब हो गए हैं। अब हम चल रहे हैं अंदर। और आज मैं नाश्ता वगैरह तो हो चुका है, लेकिन रखा हुआ है जिमीकंद। तो जिमीकंद की आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी, क्योंकि फिर ना वो जिमीकंद अगर रखा रह गया तो वो ख़राब हो जाएगा। तो बस इसी वजह से उसको मैं थोड़ा निपटाना चाह रही हूँ। हमारे लोगों में फ्रेंड्स क्या होता है ना, दीपावली के दिन जिमीकंद की पकौड़ी या भरता चटनी जो भी हो वो बनता है। तो मैं आ तो गया था लेकिन मैं बना नहीं पाई हुई थी, तो बस उसी को आज बनाने जा रही हूँ, जिमीकंद की पकौड़ी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जिमीकंद की पकौड़ी। पकौड़ी तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। तो इसका जिमीकंद का ना थोड़ा सा मतलब स्वाद अलग, एकदम अलग होता है। तो और लेकिन ये पकौड़ सब्जी वगैरह होता है ना, तो उसको कट वट करके बनाना होता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है वो हाथ में लग। ये है जिमीकंद, कहीं कहीं भी इसको सूरन भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे इसको कान भी बोलते हैं। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है, पर यहाँ देहरादून में या मतलब उत्तराखंड में तो यहाँ भी इसको जिमीकंद ही बोलते हैं। पहली बात तो यहाँ पर ऊपर पहले तो पहाड़ों पे तो मिलता ही नहीं है ये, यहाँ ओनली देहरादून में ही मिलता है। और वरना तो फिर यहाँ पे कुछ मतलब ऐसी इसी टाइप का ही होता है, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, मुझे नाम नहीं उसका पता है। तो वो मिलता है, तो अब इसकी पहचान थी ना कि यहाँ ये जो है जिमीकंद है, तो इसको अब की बार ये मिल गया तो इसको हम लोग ले आए। तो फ्रेंड्स अब इसको सबसे पहले हम इसको उबालेंगे, तो इस वजह से इसको पहले हम कट कर लेंगे। खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगता है ना, लेकिन इसका ना काटने में बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है। यहाँ पर ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये हाथ में अगर लग जाए ना तो हो जाते हैं वारे न्यारे, इतना जैसे कोई चींटी काटती है ना, बस वैसे ही। एक बार मुझे पता नहीं था और मैंने ऐसे ही मतलब तब मैं चटनी बनाने की कोशिश कर रही थी और मैंने पूरा इसको कद्दूकस किया था, और फिर मेरा जो हाल हुआ था, पूरा हाथ मेरा सूज गया था, इतना ज़्यादा लगा था। और कुछ कुछ जिमीकंद आते हैं ऐसे कि जो नहीं काटते हैं, लेकिन पता नहीं होता ना कि कौन सा काटेगा कौन सा नहीं काटेगा। तो बस बचते बचाते मैंने कट कर लिया है और अब इसको हम उबालेंगे। तो बस कुकर में पानी मैंने पहले से भर लिया हुआ था और इसको बस इस ऊपर का सिरा पकड़ पकड़ के, मेरे हाथों को देखकर ये आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा ना कि कितना डर लग रहा है। तो अब बस इसको गैस पे चढ़ा देना है और बस 2 सीटी आने तक इसको पका लेना है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है ना पानी कुछ ज़्यादा है, तो अब इसको हम थोड़ा सा पानी इसका हम कम करेंगे और उसके बाद में फिर इसको चढ़ाएंगे। यहाँ पर पानी मैंने कम कर लिया है और अभी ये सही है। तो अब इसको हम बस 2 सीटी आने तक के लिए इसको हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिमीकंद मेरा उबल गया है और अब इसे धुलकर और इस साफ़ करके उसके बाद में इसका छिलका वगैरह उतार लिया
और यहाँ पर मैंने आधा जिमीकंद निकाल भी था लिया है क्योंकि वो भरता बनाना है मुझे उसका। तो उसमें मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच मैंने बेसन डाला है और इसे अधिक क्रिस्पी बनाने के लिए 1 चम्मच भरकर मैंने चावल का आटा डाला है, 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा खटास के लिए अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से क्या होता है ना, जो थोड़ा सा काटता वाटता है ना तो वो काटेगा नहीं। अगर आपके पास में खटाई हो ना तो आप खटाई भी थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार डालना है और इन सब के साथ ही अब हमें डालना है बारीक कटा हुआ प्याज और 1 हरी मिर्ची मैंने डाला है और खूब ढेर सारी धनिया पत्ती डालनी है। और इन सब के साथ ही मैंने यहाँ पर अचार का मसाला थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सबको। और पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि फिर ये इसका ये वैसे ही गीला रहता है जिमीकंद, तो बस उसी में ही मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है और पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता है इसमें। यहाँ पर ये अच्छे से हो गया। जीरा मैंने डालना भूल गई हुई थी तो बस पहले पता चल गया तो बस पहले ही मैंने डाल दिया और इसके बाद में बस यहाँ पर हो गया। कढ़ाई मैंने पहले ही गरम करने को मैंने रख दिया हुआ था। सरसों के तेल में अगर आप इसे बनाएंगे ना तो ये बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं यहाँ पर सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। और जब खूब अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद में फिर डालिए। गैस का फ्लेम एकदम स्लो करके रखना है। पकौड़ी का आकार ना बहुत छोटे छोटे करके रखिएगा, बड़े बड़े रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से वो क्रिस्पी नहीं होता है, अंदर से ऐसे ही मुलायम मुलायम सा रहता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे मैंने किया है और जितना आप आया है बस उतना मैंने पूरा कढ़ाई में भर दिया है क्योंकि ये बहुत आराम से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। छोटे छोटे डालने से यही होता है ना, क्रिस्पी भी बनता है और जल्दी हो भी जाता है। तो यहाँ पर ये उलट पुलट करके बस रेड होने तक करना है। यहाँ पर रेड ये हो चुका है और अभी इसको हम निकाल लेंगे। जिमीकंद की पकौड़ी ना बहुत ही टेस्टी बनती है और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और मतलब ये एक बार अगर आप लोग खाएंगे ना तो फिर जिमीकंद ढूंढते फिरेंगे और यही अभी ये मौसम है जो जिमीकंद मिलता है, बाकी मौसम में फिर वो मिलता भी नहीं है। और यहाँ पर अब हम जिमीकंद की पकौड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब इसको हम निकाल लेंगे। उबलने के बाद में ये बिल्कुल भी नहीं काटता है, पहले थोड़ा सा ये जैसे जब कच्चापन इसका होता है तब काटता है और उसके बाद में जब ये उबल जाता है उसके बाद में तो पता भी नहीं चलता है कि हाँ यहाँ इसमें कोई काटने वाली चीज़ भी कुछ ऐसा है। हाँ लेकिन कच्चेपन पे तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। यहाँ पर मैं वही दिखा रही हुई थी, ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है और जितना ये दिख रहा है ना उतना ही टेस्टी ये बनकर तैयार भी होता है। फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स जिमीकंद की पकौड़ी तो हमारी बन चुकी हुई है और अब यहाँ खाते खाते आप लोगों से कुछ बात भी करेंगे। और यहाँ पर तो अभी ने अपना खाना भी स्टार्ट कर दिया हुआ है और ये अपना डिजाइन विजाइन बना के खा भी रहे हैं, बहुत टेस्टी है। तो इनको बहुत पसंद है इसी वजह से इनके लिए मैंने बनाया है। आधा अभी मैंने छोड़ दिया है क्योंकि अभी हस्बैंड शाम को आएंगे तो उनको चाय के साथ में मैं उनको दूंगी। तो फ्रेंड्स हमारे पास कुछ एक मैसेज भी आ रखे हुए थे कि मैं दीपावली स्पेशल मैंने ब्लॉग नहीं शेयर किया, तो फ्रेंड्स माफ़ करना। एक्चुअली क्या हुआ था, ये अभी के स्कूल में एनुअल फंक्शन था तो लगभग दीपावली धनतेरस के एक दिन पहले पड़ा हुआ था, तो इस वजह से वहाँ पर थोड़ा रात का प्रोग्राम था और फिर लेट हो गया था आते आते, तो मुझे वहाँ पे ठंड लग गई थी। तो इसी वजह से उसी दिन से ही फिर मुझे मैं बीमार पड़ गई और मैं कुछ भी नहीं मतलब कर पाई और बस जैसे तैसे करके बस दीपावली का ही मैंने है कैसे भी त्यौहार मनाया क्योंकि साल भर में एक बार ये त्यौहार आता है, सेलिब्रेट तो वही करना बनता ही है। तो काम भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो साफ़ सफाई और इन सारे उसमें, और तबीयत भी बिल्कुल भी मेरा मतलब एक तो सर्वाइकल की भी मुझे प्रॉब्लम है तो फीवर जुकाम, और इस वजह से ना फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जुकाम वाली प्रॉब्लम तो लगभग पहले से ही था तो फिर बाद में फिर वो जोर कर दिया और बाद में जो रही सही कसर थी तो फिर बस वो थोड़ा सा काम वगैरह ज़्यादा पड़ गया तो फिर ये सर्वाइकल की मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो फिर उसकी वजह से फिर मैं शेयर नहीं कर पाई और वीडियो ही नहीं बना पाई। और तो बस फ्रेंड्स माफ़ करना उसके लिए। और अब आगे जो वीडियो है वो लगातार आप लोगों को मिलेंगे, बस भगवान जी थोड़ा सा अपना कृपा बनाए रखें, स्वस्थ बनाए कर रखें। तो
तो बस आप लोगों को वीडियो जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग अगर पसंद आया हो और जिमीकन की पकौड़ी अगर आप लोग को रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जिमीकन की पकौड़ी हो सकता है उनके लिए रेसिपी पहली बार हो। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू बोलो। Bye bye, like and subscribe to Mama channel.